ये 23 मई 2011 की घटना है। तुकोगंज रोड नयापुरा में दो पड़ोसी हैं, एक अजमत अली और उनका परिवार है, एक अब्दुल रशीद और उनका परिवार है। इन दोनों के परिवार में पुरानी दरगाह की कुछ जमीन है, उनके पीछे को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी बात को लेकर जो है दिनांक 23 5 2011 की घटना घटी थी। शाम के समय में ऐसा बताया गया कि अजमत अली और उनके परिवार के और 6 सदस्य जो उनके नाते रिश्तेदार थे, वो सब लोग संगनमत होकर अपने हाथ में तलवारें, लाठी और कट्टा, देसी कट्टा लेकर इनके घर में घुसे थे और उन्होंने जान से मारने की नीयत से जो है हमला किया था और कट्टे भी चले थे इसके अंदर में। उस समय उस हमले के अंदर में कट्टे की गोली से 2.5 साल की बच्ची है नबिया, उसकी मृत्यु हुई थी। प्रारंभ में 307 इंडियन पीनल कोड के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में उपचार के दौरान जो आहत नदिया थी, 2.5 साल की बच्ची, उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। इसलिए बाद में धारा 302 भारतीय दंड विधान का इसमें इजाफा हुआ था और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात चार्जशीट फाइल हुई थी और माननीय योगेश चंद्र जी गुप्त साहब, विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ इस प्रकरण का विचारण चला था। लगभग 6 साल तक विचारण चलने के पश्चात आज उसमें फैसला आया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो सबसे प्रमुख धारा है इसके अंदर में, उसके तहत और अन्य धाराओं में भी सभी आरोपीगण, सातों आरोपीगण जो हैं, उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपका नाम? मैं राज्य शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में मुझे रघुवीर यारदी एडवोकेट को नियुक्त किया गया था और मेरे साथ में डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन मिस्टर अजय सिंह भंवर जो हैं, वो भी जो हैं यहाँ मौजूद हैं और वो भी इसको साथ में प्रोसिक्यूट कर रहे थे और स्टेट की तरफ से ये एक बड़ा मुकदमा जो है वो आज डिसाइड हुआ है।